अगर तू मेरे लिए साथ ला सकती हो तो मैं अपने लिए सौदा क्यों नहीं ला सकता। तो उस विचारों के जो व्यक्ति थे उन्होंने ये सोचा कि एक औरत को अगर सुल्तान नहीं भी हो रही है तो शायद वो उसकी गलती नहीं है, शायद कभी मनोवादियों ने सावित्री बाई को जो कुछ हुआ जो उनकी इकलौती एक ही पिक्चर है, एक ही फोटो है, उसको छुपा दिया। जिस समाज में बढ़ने की अनुमति नहीं थी उस समाज में उस व्यक्ति ने अपने पत्नी को पढ़ाया और जब वो संतान नहीं हो रही तो सावित्री बाई ने कहा कि माँ बना देते हैं, देवी बना देते हैं, महाज बना देते हैं। पर कभी हम ये नहीं सोचते कि हमारी स्त्रियाँ संसद में क्यों नहीं है। स्त्री
3000 सालों से स्त्री वंचित रही शिक्षा क्यों रही, क्योंकि उसे बता दिया गया तुम्हारा ये जन्म तुम्हारे पिछले पापों के कर्मों से हुआ, इस वजह से एक तो तुम स्त्री हो ऊपर से क्षुद्र हो, और ऐसी स्त्री को बढ़ाया नहीं जा सकता। वो आखिरी छोर जिसको सावित्री बाई ने उठाया और शिक्षित किया। क्यों शिक्षित किया? 12-13% को संसद में बैठने के लिए। वो 12-13% भी कौन है जी? कौन है? नर्तकियां, नटियां, सुंदर दिखने वाली लड़कियां, कौन है? कोई प्रोफेसर है? कोई वैचारिक व्यक्ति है? कोई बुद्धिवादी है? ऐसी गुड़ियों को क्यों बिठा दिया? क्योंकि वो आसान रास्ता, स्त्रियों को निग्लेक्ट करते जाते। जो इंटेलेक्चुअल्स है, जो बुद्धिमान स्त्रियां है, वो कभी भी आपको वहां नहीं दिखेंगी, क्योंकि वो वहां आएंगी तो बोलेंगी, और बोलना मन वालियों को पसंद नहीं, खासकर स्त्रियों को। ये जो पिक्चर आपको दिखाई दे रही है वो सावित्री बाई जी की है ही नहीं, कितना बड़ा अच्छा है दे। वो है ही नहीं सावित्री बाई जी। आपको ये बात झूठ लगेगी, लेकिन एक किताब के लेखक है, उन्होंने अपनी पत्नी का पिक्चर सावित्री बाई के रूप में निकाल लिया, और मनुवादियों ने सावित्री बाई के पिक्चर को छुपा दिया, जो उनकी इकलौती एक ही पिक्चर है, एक ही फोटो है, उसको छुपा दिया जी। आपको धीरे धीरे पता चलेगा कि ये ही सावित्री बाई है। सावित्री बाई मैं आपको दिखाती हूं, ये सावित्री बाई की ओरिजिनल छवि है। कार्यक्रम में अगर पीछे आपको ज्योतिबा फुले, सावित्री फुले, इनकी तस्वीरें लगानी है तो कृपया ये तस्वीर ना लगाएं। तो जहां हमारी स्त्रियां, इतनी पढ़ी लिखी स्त्रियां क्या करती, परिसर में इतनी स्त्रियां क्यों आई है, क्या कर रही है घर में? खाना बनाया। ज्योतिबा फुले की मैं एक बात बताती हूँ, ज्योतिबा फुले कितने इक्वालिटी पे बिलीव करते थे, उन्होंने अपनी पत्नी को स्वतः पढ़ाया। जिस समाज में पढ़ने की अनुमति नहीं थी, उस समाज में उस व्यक्ति ने अपने पत्नी को पढ़ाया, और जब उनको संतान नहीं हो रही थी तो सावित्री बाई ने कहा कि ऐसा है समाज से मुझे बहुत ताने मिलते हैं, आप ऐसा कीजिए ना, दूसरी शादी कर लीजिए। तो ज्योतिबा ने कहा ठीक है कर लेगा, पर मेरी कंडीशन। तो सावित्री बाई ने पूछा कि क्या कंडीशन है आपकी? तो उन्होंने कहा अगर मैं शादी करता हूं तो तुम्हें भी दूसरी शादी कर लूंगा। हाँ हाँ हाँ, ऐसा नहीं बोलते। अरे क्यों? अगर तुम
लिए साथ ला सकती हो तो मैं अपने लिए सौदा क्यों नहीं ला सकता? तो उस विचारों के जो व्यक्ति थे उन्होंने ये सोचा कि एक औरत को अगर संतान नहीं भी हो रही है तो शायद वो उसकी गलती नहीं है, शायद मुझ में ही कुछ कमी होगी, इस वजह से तो मैं संतान नहीं हो रही होगी। तुमने ये कभी सोचा सावित्री बाई? तो सावित्री बाई ने बोला कि नहीं, एक्चुअली ना औरतों के लिए कभी हो रही। देखो कैसा समाज हमने बनाया है कि औरत अपनी कभी हो ना हो मान लेती है कि मेरी ही कभी हो और उसको हम महान बोल देते हैं जी, उसके महान के आड़े हम छुपा देते हैं, महान की पत्नी देकर हम छुपा देते हैं, माँ बना देते हैं, देवी बना देते हैं, महान बना देते हैं, पर कभी हम ये नहीं सोचते कि हमारी स्त्रियां संसद में क्यों नहीं है। ये जो हम कहते हैं कि इस आंदोलन में लोग नहीं आ रहे, उसमें नहीं आ रहे, अरे आपको हिंदू बनाया किसने? आपको हिंदू किसने बनाया? जिन्होंने आपको हिंदू बनाया वो तो कुर्सियों पे बैठे हैं, मलाई चाट रहे हैं, और आप हिंदू बनकर कुत्ते के पट्टे गले में लगाकर, तिलक लगाकर, डंडा हाथ में लेकर मस्त बनके क्रांतिकारी बनके घूम रहे हो। अरे शर्म आनी चाहिए हिंदू बनकर आप लोगों। बाबा साहेब ने इतना बड़ा दार्शनिक पैदा हुआ इस देश में, मैं कहती हूँ इस पूरे पृथ्वी मंडल पे ऐसा बड़ा दार्शनिक फिर से कभी पैदा नहीं हो सकता। वो हमारे नेता है, उनको थोड़ा पढ़ो, थोड़ा समझो। आज आंदोलन क्यों फेल हो जाते हैं, क्यों लोग नहीं आते? क्योंकि नेतृत्व की कमी है हमारे देश में, नेतृत्व नहीं है। और नेतृत्व सिर्फ वो नहीं होता जो भाषण दे लंबे लंबे, नेतृत्व वो होता है जो सपना दिखाए। क्या ऐसा कोई नेतृत्व आपने देखा है जो सपना दिखाए? सपनों के आगे घूम जाता है ये पूरा जहां। सपना एक ऐसी चीज है जो देखना लोगों को बहुत पसंद है और वो दिखाना चाहिए, पर वो कौन सा सपना? सच का सपना, खूबसूरत कल का सपना, आपके बच्चों के भविष्य का सपना। ये सब सपने आप नहीं दिखाएंगे नेता लोग तब तक ये जो लोग है वो आपके साथ नहीं आए। जब तक ये सपना आप दिखाओगे नहीं, उसको पूरा करने की कोशिश नहीं करोगे, तब तक ये लोग आपका भाषण सुनेंगे निकल जाएंगे। इनको अगर जोड़ना है तो इनके सपनों से जोड़िए, इनको सपना दिखाइए, खूबसूरत सपना, सुंदर सपना, कल का सुनहरा सपना। थैंक यू सो मच।